बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिन पॉइंट में मैं हूँ जावेद कमैना। नाज़रीन, आज हम आपको मिलवाएंगे पापा जानी से, और वो पापा जानी हज़ारों बच्चों के पापा जानी हैं। इससे पहले उनकी वजह शोर जो थी कुछ सियासत की हद तक थी, फिर एक इस्लामाबाद में 7-8 साल कबल एक वाक़ा हुआ कि सिकंदर साहब जो थे उन्होंने अपनी फैमिली के साथ एक पूरी सड़क को यरगमाल बनाया हुआ था, मुसल्ला होकर उन्होंने अजीब सी डिमांड्स रखी थी। तो उस शख्स को जैसे इन्होंने अपनी जान पर खेल कर बचाया, उसके बाद पूरा पाकिस्तान इनको जाने लग गया। फिर पाकिस्तान स्वीट होम के नाम से एक इदारा शुरू किया इन्होंने, जिसमें यतीम बच्चों की किफालत करना शुरू की। उसके बाद इनको पूरी दुनिया जानना शुरू हो गई, क्योंकि नेकी का काम था और नेकी के कामों में अल्लाह ताला होते हैं, इसलिए इनको पूरी दुनिया में एक शोहरत हासिल हो गई है। जी, मेरी मुराद ज़मरत खान साहब हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। खान साहब, ये बताइएगा कि आपको ये कैसे आइडिया आया कि ये काम करना चाहिए, और आपने किस लेवल पे शुरू किया और आज कहाँ तक है? जावेद साहब, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी जानब से, अपने बेटों बेटियों की जानब से। बेसिकली अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक सोच दे दी, अल्लाह ताला ने मुझे इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में एक बड़ा मिशन सौंप दिया। स्वीट होम का आगाज़ 2009 में सवात ऑपरेशन, जब दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ पहली जंग का आगाज़ हुआ। जी, उस वक्त मैं एमडी था पाकिस्तान बैतुल माल का, तो वहाँ से हमने शुरू किया इसको, और आज माशाल्लाह आप H9 सेंटर में मौजूद हैं, जहाँ पर मेरे बेटे और बेटियाँ पिछले 10-11 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, और अब ये बेटे माशाल्लाह माशाल्लाह FSC Part 1 और Part 2 में मौजूद हैं। माशाल्लाह, बेसिकली अल्लाह की रहमत है, और फिर मेरी टीम है, अल्लाह ताला इस टीम को सलामत रखे। मेरी ज़िंदगी का तो मिशन ही ये, जो जिनको लोग लावारिस और यतीम कहते हैं, मुझे ये पापा जानी कहते हैं, और मैं कहता हूँ कि मेरी अगर कोई 1000 साल की ज़िंदगी हो तो मैं इन पर निशावर कर दूँ, और कुछ 100 घंटे का दिन हो तो मैं इनके लिए काम करूँ। लेकिन ज़िंदगी तो बहुत छोटी सी है, बहुत मुख्तसर सी है, लेकिन इंशाल्लाह इस मुख्तसर ज़िंदगी के अंदर भी मैं उनका मान रखूँगा। ये सारे बेटे मुझे पापा जाने के आगे पुकारते हैं। जी जी, ऐसे ही। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैं इनको मंजिल तक ज़रूर लेके जाऊँगा। अल्लाह का ये बड़ा वसी करम है कि आज माशाल्लाह शुमाली वज़ीरिस्तान, कराची, स्कर्दू, गलगित, पूरे पाकिस्तान के बेटे मेरे पास हैं माशाल्लाह। और ये अल्लाह का बड़ा फजल व करम है कि जो जो मैं सोचता जाता हूँ अल्लाह ताला उसको पाए तकमील तक पहुंचा देता है। और अब माशाल्लाह मैंने दुनिया की तारीख का जो पहला कैडेट कॉलेज है, ओनली फॉर फरिश्ते, मैं इनको फरिश्ता कहता हूँ, अच्छा, एंजल्स, इनके लिए माशाल्लाह गुजरा खान और सोहावा के बिल्कुल संगम में माशाल्लाह तकरीबन 90% कम्प्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मेरे बेटे जो कैडेट कॉलेज में पहुँच चुके हैं, वहाँ पर हम इनको शिफ्ट करेंगे, और फिर जहाँ तक इनके नसीबों ने जाना है, दुनिया में हर बच्चा अपना नसीब लेके पैदा होता है, अल्लाह ताला फिर उनकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करता है, फिर हाथों की सिलेक्शन करता है। अल्लाह ने हमारे हाथों की सिलेक्शन कर लिए, और इंशाल्लाह हम इनको अपनी मंजर पे लेके जाएंगे। मैं तो ये चाहता हूँ और ये होगा इंशाल्लाह कि ये मेरे बेटे और बेटियाँ पूरी दुनिया के अंदर इस धरती माँ का नाम रोशन करेंगे। खास मैंने देखा है, क्योंकि मैंने सारा विजिट किया है, जो एक बहुत अच्छा प्राइवेट सेक्टर का स्कूल होता है ना, शायद उसकी जगह भी इससे खासी कम होती है, और उनका सिस्टम भी ऐसा नहीं है जैसा मैंने यहाँ देखा है, खाने पीने का, ग्राउंड्स, लाइब्रेरी, मस्जिद, हॉस्टल्स, तो ये कैसे सर आपने मैनेज किया? हमारे सर, मैंने पहले कहा है कि अल्लाह की रहमत का काम है, ये मौजज़ात की दुनिया है, बेशक अगर किसी ने मौजज़ात देखने हो तो पाकिस्तान स्वीट होम को आके विजिट करें। ये जितना कुछ बना हुआ है सब लोगों ने बनाया है, और माशाल्लाह मैंने कहा ना, जो जो मैं सोचता जाता हूँ अल्लाह ताला उसको पाए तकमील तक पहुँचाता है, और हम जो भी काम करते हैं निस्बत के हवाले से करते हैं कि इन बच्चों की निस्बत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो न सिर्फ यतीम थे बल्कि दुरे यतीम। सोचना हमने सब कुछ A+, करने वाला कोई और है जो आपको नजर नहीं आता, लेकिन इस सारे सिस्टम को चलाने वाली कोई बड़ी ताकत है, और मैं समझता हूँ जो बड़ी ताकत है उसका दस्ते शफकत हर वक्त हमारे ऊपर रहता है। बेशक राज माशाल्लाह जिस लेवल पे ये बच्चे पहुंच चुके हैं, ये सोए अल्लाह की रहमत को और कुछ नहीं हो सकता। और माशाल्लाह ये बच्चे माशाल्लाह मेरे बेटे और बेटियां मान है मेरा, और ये नो कंपटीशन वाले बच्चे हैं। यतीम को यतीम पालना कोई कमाल नहीं। सही बात।
इनको मैं समझता हूँ मैं उस लेवल पे लेके जाऊंगा जो मेरी ख्वाहिश है, जो मेरी सोच है, और ये जाएंगे वहां इंशाल्लाह। ये आपको बहुत जल्द आने वाले चंद सालों में पार्लियामेंट में मिलेंगे, पाकिस्तान आर्मी में मिलेंगे, एयरफोर्स में मिलेंगे, स्कूल कॉलेज के टॉप लेवल के टीचर इनमें पैदा होंगे। और माशाल्लाह जो मैं चाहता हूँ कि ये बड़ा आदमी ना बने बल्कि बड़े इंसान बने, इंशाल्लाह जो मैं इनकी तालीम के साथ तरबियत कर रहा हूँ वो रिफ्लेक्शन होगी पाकिस्तान स्वीट होम की और ज़ुमरत खान की, क्योंकि ज़िंदगी तो बहुत छोटी सी है, हमने भी चले जाना है, लेकिन इंशाल्लाह हर तहसील के अंदर, हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर आपको छोटे छोटे ज़ुमरत खान मिलेंगे जो आने वाले वक्त के अंदर इन बच्चों की, उन यतीमों की, बेवाओं की, बेकस और बेबस और बेसारा लोगों की खिदमत करेंगे। खास डॉक्यूमेंट्री में जो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगी ना, हर बच्चे के जहन में होता है कि मैं डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, और मशरूफ पोजीशन होल्डर्स की मैंने फ्लैक्स भी देखी, उनके बच्चों की तस्वीर भी लगी हैं। चंद बच्चों ने कहा कि हमने बड़े के पापा जा नहीं बनना है। देखिए सबसे खूबसूरत बात है कि आप मिशन को आगे ले देखेंगे। बेसिक तो ये मैंने पहले कहा कि ये मेरी रिफ्लेक्शन होंगे, हम इनकी माशाल्लाह जो तालीम के साथ इनकी तरबियत हो रही है कि आपने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ज़िंदगी दो तरह की होती है, एक वो ज़िंदगी होती है जो आप जस्ट लाइक जानवर दुनिया के अंदर आते हैं, अपने लिए ज़िंदा रहते हैं, खाते पीते दुनिया से चले जाते हैं। एक ज़िंदगी वो है जो सदा रहनी है, और सदा ज़िंदगी रहने का एक ही तरीका कार है कि आप मखलूक की खिदमत करें, और जो मखलूक की खिदमत करते हैं वो लोग वो दुनिया से कभी जाया नहीं करते। और आज जो माशाल्लाह इनकी हम तरबियत कर रहे हैं, आपने देखा होगा हर बच्चा कहता है कि मैं पापा जानी बनना चाहता हूँ। बेसिक में जो जहाँ देख रहे हैं उनकी तालीम और तरबियत का कैसा निज़ाम है, स्वीट होम कैसे चलता है, किस लगन और प्यार के साथ ये सारी टीम उनके साथ काम करती है, तो इंशाल्लाह बहुत सारे बच्चे इंशाल्लाह मेरे लेवल पे पहुंच के पाकिस्तान स्वीट होम को संभालेंगे ये सारे इंशाल्लाह। मुनफरद बात ये है खान साहब कि घर में फर्दे वाह जो होता है वो एक दो तीन चार पाँच बच्चे बड़ी हद कुछ सात बच्चे संभालता है, और उनको बराबर प्यार तकसीम नहीं कर सकता। आपने हज़ारों बच्चों के साथ इस चीज़ को मेंटेन किया हुआ है। देखिए जी, मैंने जावेद साहब जो पहला लफ्ज़ कहा है वो अल्लाह की रहमत है, और फिर कहा है मौजज़ात। ये मौजज़ात की दुनिया है, ये अल्लाह ताला की रहमत का अक्स है, ये नॉर्मल दुनिया नहीं है जिसमें आप बैठे हुए हैं। कोई शक कोई शक, ये वो दुनिया है जिसके अंदर मौजज़ात होते हैं, जिसके अंदर ये जो मैंने पहले कहा है ना कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। अगर खुदा को कोई देख नहीं सकता, लेकिन अगर कोई देखना चाहे तो किसी रफाई काम के अंदर आ जाए, फिर आपको अंदाज़ा होगा इस सारे सिस्टम को चलाने वाला कोई और है। हम छोटे छोटे करेक्टर्स हैं, छोटे छोटे पुतली तमाशाएँ जो चंद सालों के लिए, चंद लम्हों के लिए दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, और किसी के आने और जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये निज़ाम उसी तरह चलता रहेगा, लेकिन अगर किसी ने हकीकत में निज़ाम देखना हो तो फिर किसी यतीम के सर पे अपना दस्त शफकत रखे, फिर उसको पता चलेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम क्यों पैदा हुए थे, वो दुरे यतीम क्यों हुए थे। उन सारी चीज़ों को हकीकत में जानने के लिए ज़रूरी है कि आप यतीम के साथ प्यार करके देखें, उसके सर पे दस्त शफकत रखें, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह को यतीमों के साथ प्यार नहीं है, इश्क इश्क। यही वजह है कि अल्लाह ने अपने हबीब को उस क्लास में से पैदा किया। इसे आपके स्टाफ ने अभी सवाल किया कि आपने सारा विजिट किया तो कैसा लगा, तो मैंने एक लफ्ज़ कहा कि मेरा ईमान ताज़ा हुआ है, और वाकईतन मुझे यहाँ पर रहमतें नजर आई हैं, यकीन करें। देखिए जी, मैंने जावेद साहब पहले कहा है कि ये मौजज़ात और रहमतों की बारिश वाली दुनिया है। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि इस छोटी सी दुनिया के अंदर एक झलक आप ज़रूर देखें इसकी, फिर आपको अंदाज़ा होगा ज़िंदगी क्या है, हकीकत क्या है, खुशी क्या है, रूह क्या है, और कल्बे सुकून कहाँ पे है। और ये कल्बे सुकून वाली दुनिया है। सही बात। खास तौर इस्लामाबाद से आपने आगाज किया, तो इस्लामाबाद से हटकर अब कहाँ कहाँ पाकिस्तान स्वीट होम। देखिए जी, माशाल्लाह इस वक्त हम पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बीर अली के अंदर कर रहे हैं, कराची के अंदर है, सक्कर के अंदर है, और जहाँ बैठे हुए यहाँ सारे पाकिस्तान के बच्चे हैं। मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं पूरे पाकिस्तान में ये बनाऊँ, लेकिन उसके लिए टीम चाहिए। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आए इस काफिले के अंदर शामिल हों, ताकि मैं उन बच्चियों को जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, यही कल का जो पाकिस्तान है यही बच्चे हैं, ताकि इनको हम महफूज कर सकें, और इंशाल्लाह लोग इसमें आएंगे। और ये जो मेरी ख्वाहिश है कि मैं हर डिवीज़न में, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाकिस्तान स्वीट होम और पाकिस्तान स्वीट होम क्रेडिट कॉलेज बनाऊँ, वो ज़रूर पाए तकबील तक पहुँचेगी इंशाल्लाह। खास साहब, आपकी इस काफिले में इंशाल्लाह हम भी तहे दिल से आपके साथ होंगे।
और इसको जिस हद तक हो सका, बल्कि अपनी बसात और औकात और हैसियत से ज़्यादा इंशाल्लाह उससे बढ़कर आपके साथ इस टीम का हिस्सा बनेंगे। और आपको नजर आएगा आइंदा चंद दिनों के अंदर कि हम आपकी टीम में प्रैक्टिकल इसका हिस्सा हैं। जावेद साहब, मैं पहले भी मैंने थैंक्स किया, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ज़रूर पाकिस्तान स्वीट होम का हिस्सा बनेंगे। और आप जैसे लोग, मैं समझ रहा हूँ मेन पावर है मीडिया, मीडिया जो रिफ्लेक्ट करना चाहे मुआशरे से, लेकिन हमारी बैड लक ये है कि जो बुरी चीज़ें होती हैं बहुत जल्दी प्रमोट होती हैं, अच्छी चीज़ें प्रमोट नहीं होती। तो मैं जितने भी लोग हैं मीडिया के, उनसे गुजारिश है कि आप आए मेरा साथ दें, अच्छी चीज़ों को प्रमोट करें। पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे लोग हैं, मैं कहता हूँ पाकिस्तान जैसा मुल्क ही कोई नहीं है, जितने लोग पाकिस्तान के अच्छे हैं पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन हमने हमेशा बुराई को प्रमोट किया, अच्छे लोगों को प्रमोट नहीं किया। बड़ी दुनिया है पाकिस्तान में, जो मैं कहता हूँ जिनकी वजह से पाकिस्तान कायम है, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, हर बंदे की यहाँ पे एक स्टोरी है। तो मीडिया से मेरी गुजारिश है को जरूर पाकिस्तान स्वीट होम का विजिट करें, इसको देखें, इसको भी अपना फर्ज समझे प्रमोट करने के लिए। जैसे मैंने आपसे चंद लम्हों में गुजारिश की, आज आप यहाँ पे तशरीफ ले आए, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जावेद साहब आप और आपका जो मीडिया सेटअप है हमारी पाकिस्तान स्वीट होम की टीम का हिस्सा बनेगा इंशाल्लाह। इलामा इकबाल ने फरमाया था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किए इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम नहीं थे कुरबियाँ। फिश्ते अल्लाह पाक की इताअत के लिए हर वक्त मौजूद हैं। अपने लिए इंसान तो जीता है, दूसरों के लिए जीना ही ज़िंदगी है, वही इंसानियत है। मैं कोशिश करूँगा कि वापस ऑफिस जाकर टीम पाकिस्तान स्वीट होम के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाई जाए और बहुत से प्रोडक्ट शुरू किए जाएँ और पाकिस्तान स्वीट होम की टीम का हिस्सा बना जाए और इस काफिले के अंदर और लोगों को शामिल किया जाए, ताकि नेकी किस काम में कोई पीछे न रह सके। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।